देखिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जो हम लोग मनाते हैं, करीबन 400 साल हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती हम लोग हर शाखा में, हर वार्ड में जहाँ घर है वहाँ पे मनाते हैं। उसकी वजह यह है कि 400 साल पहले जब मुगल हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो अपन ख्याल करने उसकी बुरी बात है, वो सोच ही नहीं सकते अपन क्या अपनी स्थिति ये भी क्या होती। तो उस समय में मुगलों के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई है वो शिवसेना, अरे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और उन्होंने उनकी माँ की और पिताजी से प्रेरणा लेके महाराष्ट्र में हिंदुत्व के राज शुरू की। तभी तो हम उनको बोलते हैं हिंदू, हिंदू सभी का हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं, हिंदू सबका राजा बोलते हैं, और पूरा हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही ये उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र स्थापन किया। तो ये 400 साल पहले की बात है, और हम लोग अभी ये चाहते हैं कि शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार आचार वो आम लोगों के तकलीफ होते बच्चों तक उनकी जानकारी हो। देखिए लंदन में भी बीच में उनका एक इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने जो छत्रपति की जो गनिमी कावा युद्ध थी उनकी जो ये थे, तो उसी के तरह से युद्ध लड़ के बड़े सैनिकों भी कैसे हरावे, तो उसी वो उस छत्रपति की टेक्निक ही यूज़ कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में वो क्यों ना हो। इसलिए हम लोग शिवसेना की पक्ष के ओर से हर साल छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, उनकी मिरवणूक मतलब वो पालकी मिरवणूक करते हैं, और आम लोगों के उनके विचार शैली उनको बताते हैं। एक तो पहली बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो आम जनता के लिए थे, आम आदमी के लिए थे, आम भाई बहन के लिए थे। वो हम उनकी जो धारणा थी कि आम आदमी अगर जुड़ गया अच्छी तरह से हो गया तो अपना देश डेवलप होगा, उसी धारणा से उन्होंने महाराष्ट्र को डेवलप किया। महाराष्ट्र से जो स्टार्ट किया उन्होंने, दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक उन्होंने राज्य स्थापन की। तो जादव सर, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारी चीजें जो है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया गया था, लेकिन आज जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जो भी हमारे लेजेंड है उनको कहीं ना कहीं धूमिल करके कुछ ना कुछ राजनीति उस तरीके से खेला जा रहा है, और जिस तरीके से आज पूरे महाराष्ट्र में शिव जयंती साजरा किया गया है उसे लेकर जो शिवसेना है वो किस तरीके से देखती है इन सारी चीजों को। देखिए आज की तो राजनीति जो चल रही है, मैं तो स्पष्ट बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे देश में राजनीति चल रही है, सरकार उनकी है, सेंट्रल में सरकार उनकी है, स्टेट में है, सेंट्रल का जो सरकार है वो CBI IT सब वो जो गवर्नमेंट के जो अंडर में जितने भी शासकीय कार्यालय है उनका दुरुपयोग करके आम आदमी को तकलीफ देने का काम फिलहाल वो चल रहा है। ऐसा काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मावला था, मावला बोलोगे तो जो शिव सैनिक थे, उन्होंने आम आदमी को भी वही न्याय दिया और धनवान को भी वही न्याय दिया। आज की जो राजनीति है वो बहुत गंदी राजनीति है, आज तक मैंने देखा नहीं था। मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग बहुत साल से जुड़े हैं, मैंने लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी को उनके भाषण सुने हैं, मैंने उनको देखा है, लेकिन वो जो राजनीति थी वो विचारों की राजनीति थी, आज विचारों की राजनीति नहीं, आज बदनामी की राजनीति है, अहंकार की राजनीति है, तो ये राजनीति का अंत होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। सर, जिस तरीके से एवेरा ग्रुप है वो लगातार आपके साथ में जुड़ा हुआ है, हर एक छोटे से बड़ा कार्य जो भी हो उसमें आपका सहयोग जो है अशोक प्रसाद अभिषेक द्वारा दिया जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी, अशोक प्रसाद अभिषेक के लिए जितना भी कहूँ उतना मेरे लिए कम है। देखिए अशोक प्रसाद अभिषेक कलकत्ता के है, लेकिन आज मैं एक शिवसेना का शाखा प्रमुख हूँ, लेकिन मैं आपको बोल दूँ कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, हमारे पक्ष प्रमुख सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे, हमारे युवा सेना नेते आदित्य जी ठाकरे, और हमारे पर्यावरण मंत्री हमारे थे अनिल परब साहब, उन पे जो मैं कभी कभी उनसे साथ बात करता हूँ तो उनका जो स्टडी है बाला साहब के प्रति, उद्धव जी के प्रति या आदित्य जी के प्रति, तो जो इतना स्टडी है उनका कि कभी कभी हमें लगता है कि मैं कम गिर रहा हूँ उनके सामने, तो वो सोचिए कि उनका क्या स्टडी होगा, उनका जो
उनका जो स्टडी है वो स्टडी सुन के मैं कभी बोलता हूँ आप मुझे थोड़ा गाइड करते रहो, तो इस तरह का उनका है। भले वो कलकत्ता के नेटिव प्लेस उनका कलकत्ता रहा, लेकिन उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि मुंबई है और महाराष्ट्र से वो जुड़े हैं, इसलिए वो हर मेरे हर प्रोग्राम में आप यकीन नहीं करेंगे कि हर मेडिकल कैंप में मुझे सहयोग करते हैं। हल्दी कुंकू का महिला का प्रोग्राम हो उसमें सहयोग है, मेडिकल कैंप का आप यकीन नहीं करेंगे कम से कम 100 बाईपास उन्होंने मुझे उनके सहयोग से मैं फ्री कर चुका हूँ। कुपर हॉस्पिटल में उनको कोई पहचानता नहीं ऐसा, क्योंकि उनके जो शौक है उनके जो संयम है और आम आदमी के प्रति जो लगा हुआ है उसी के वजह से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। उनका जो प्यार है उसे प्यार पाके हम लोग आगे जा रहे हैं। सारा जी आपसे जानना चाहेंगे आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल होकर कैसा लगा, और आईवेरा ग्रुप से आप भी जुड़े हुए हैं और इस सारी चीजों को लेकर किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा लगा आज सब लोगों के साथ मिल के, और जो आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम, इससे हमको जैसे सर ने बताया कि इसमें मुझे एक बहुत ज़रूरी बात ये लगी कि आज जो है लंदन में अंग्रेज जो है वो शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की सिखाई हुई कलाओं का इस्तेमाल कर रहे, उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमको भी अपनी ज़िंदगी में वो अच्छी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों को लाना चाहिए, ये चीज़ का मुझे भी सीख मिली। और जैसे हमारा आईवेरा ग्रुप है तो हम जो है इसके अंदर समाज सेवा के अंदर लगे हुए हैं कि लोगों की हम समाज सेवा करें, कैसे जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद है वो उनको उन तक मदद पहुंचाएं, जिसके अंदर हमें संजय सर का बहुत जो है वो हम उनके आभारी हैं कि वो हमें बता रहे गाइड कर रहे हैं, और आईवेरा ग्रुप जो है और अशोक प्रसाद जी जो है वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए खड़े हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या देखते हैं सर? मेरा विचार बहुत सकारात्मक है, और संजय जी सारा भाई और अशोक जी का जो यूनिटी है जो वो है वो बहुत आगे जाएगा, और हम लोग शिवाजी के विचारों को आगे ले जाएंगे, शिवाजी के संस्कारों को अपने अंदर अनुसरण करेंगे, और उसी के साथ हम लोग पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में इसका अनुसरण कराएंगे, सबको बताएंगे, जन जन दरवाजे पे जाके शिवाजी के विचारों को से लोगों को अवगत कराएंगे, आज की नई पीढ़ी को हम इससे अवगत कराएंगे, जो नई पीढ़ी अनभिज्ञ है शिवाजी महाराज के विचारधाराओं से, उनकी महिमा मंडल मंडित से अनभिज्ञ, उनको अनभिज्ञ अभिज्ञ कराएंगे, उनको बताएंगे शिवाजी क्या थे, हमारे लिए क्या है, हमारे पूर्वज है, हमारे आदरणीय हमारे पूजनीय शिवाजी, उनको लेके ही हम आगे जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, आज जिस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इस शिव जयंती को काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, तो आप कितने सालों से सारी चीजें देख रहे हैं और पहले और अपने आप क्या फर्क देखते हैं? हम शिवाजी महाराज के चरणों के नीचे रहते हैं, जिधर रायगढ़ किला है उसके नीचे हम लोग का गाँव है, वो गाँव से जो हमारा महाराज की जी प्रतिमा है, महाराज की प्रतिमा है बहुत सारे एक घट्टा करने के, हमारे मराठी लोग को बहुत एक घट्टा, हिंदू लोग को भी घट्टा करने के उन लोग ने ये के लिए आम मराठी मधी महाराजांचे आमचे रायगढ़ है, रायगढ़ पायथ्याल आम्ही राहतो, तिथे आमच सग महाराजांची जी भूमि है पावन भूमि है, आणि त्या पावन भूमि तिथे आम्ही एक मावले म्हणून तिथे वावरत आहोत, आणि शिवाजी महाराजांच्या पवित्र चरणाचा स्पर्श करून मी एवढे तुम्हाला जास्त काही। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि शिवाजी का आशीर्वाद शिवसेना के साथ है, उद्धव साहब के साथ है, आदित्य जी के साथ में है, और हम लोग के साथ में शिवाजी का आशीर्वाद है, शिवाजी का नाम कोई और किसी और का आशीर्वाद उनके पास नहीं, उनका आशीर्वाद सिर्फ हमारे पास है, हम उनके वंशज है, हम उनके बच्चों के सही उत्तराधिकारी है, ये बात हम आप लोग के माध्यम से पूरे मीडिया को पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, शिवाजी के सही वंशज हम ही लोग हैं और हम ही लोग उनके विचारों को आगे ले जाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप युद्ध है और इस सारी चीज